तो आज की मेरी रेसिपी है एकदम टेस्टी लाजवाब करारा ऐसा लहसुनी पोहा चूड़ा। एकदम टेस्टी बनता है। अभी फेस्टिवल्स आ रहे हैं तो हर घर में स्नैक्स के रूप में चूड़ा तो बनता ही है, तो स्पेशल चूड़ा बना के देखिए। तो चलिए शुरू करते हैं टेस्टी लहसुनी पोहा चूड़ा बनाना। वेलकम टू माय चैनल सुचिताज कुकिंग में आपका स्वागत है। शुरू करने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को ऑल पे रखिए, जिससे कि सभी नोटिफिकेशंस आपको सबसे पहले मिल सके। तो पोहा चूड़ा बनाने के लिए यहाँ पे मैंने नॉर्मली हम जो नाश्ते के लिए पोहा यूज़ करते हैं वही पोहा लिए हैं, और लहसुन की कलियाँ ली है, उसे इस तरीके से जस्ट हमें क्रश करके लेना है। ये देखिए, ये पहले चीज़ें करके रखनी है। तो यहाँ पर मैंने ऑयल में इस तरीके का स्ट्रेनर रख दिया है ताकि पोहा निकालने में आसानी हो। ऑयल परफेक्टली एकदम ज़्यादा गर्म हो जाए उसके बाद ही इसमें पोहा ऐड करने हैं, ये चीज़ बहुत ही ज़रूरी है। इस तरीके से चम्मच की मदद से थोड़ा सा हम पोहा को हल्के हाथों से मिक्स कर देते हैं ताकि नीचे के पोहा भी अच्छे से फ्राई हो सके। आप देख सकते हैं कितना कम ऑयल लिया है इसने और एकदम लाइटली एकदम सफ़ेद ऐसे ये पोहा फ्राई हो गए हैं। ये देखिए, बहुत ही लाइटली फूल की पंखुड़ियों के जैसे ही ये फ्राई हो गए हैं। अब मैं इसे पेपर टॉल पे निकाल लेती हूँ और आप इसका रिजल्ट देख सकते हैं। बहुत ही कम ऑयल इसने सोखा है और एकदम लाइट ये दिख रहे हैं। और इसी तरीके से पोहा मैं फ्राई कर लेती हूँ। ये देखिए, पोहा हो गए हैं फ्राई बहुत ही लाइटली, बहुत ही क्रिस्पी और एकदम ऑयल कम सोख लिया है इन्होंने, आप देख सकते हैं। और अब हम फ्राई कर लेते हैं मूँगफली। गैस की फ्लेम यहाँ पे मीडियम रखनी है और इस तरीके से पीनट्स को फ्राई कर लेना। जैसे ही चटकने की आवाज़ आ जाए तो हम पीनट्स को निकाल लेते हैं। तो अब मैं इसे एक पेपर टॉल पे निकाल लेती हूँ और सेम कढ़ाई में यहाँ पे ये भुनी हुई चना दाल है उसे भी हम फ्राई कर लेते हैं। ये चूड़ा बहुत ही टेस्टी बनता है और एकदम झटपट से बन जाता है, आप इसे ज़रूर ट्राई करके देख लीजिए। ये चना दाल हमारी फ्राई हो गई है। अब यहाँ पे थोड़ा सा सूखा नारियल लिया है मैंने इस तरीके से कट करके, उसे भी हम फ्राई कर लेते हैं। अगर आपको ये पसंद नहीं हो तो आप इसे स्किप भी कर सकते हैं। तो ये देखिए, थोड़ा सा ब्राउनिश हो गया है ये, इसे भी मैं निकाल लेती हूँ। अब यहाँ पे मैंने थोड़े से काजू और ये किशमिश ली है, उसे भी मैं फ्राई कर लेती हूँ। अगर आपको किशमिश को फ्राई नहीं करना है तो आप उसे वैसे भी डाल सकते हैं। तो ये काजू किशमिश रेडी है और अब हम करी लीव्स को फ्राई कर लेते हैं। यहाँ पे मेरे पास थोड़ी ही करी लीव्स थी, उतने ही मैंने लिए हैं। अगर आपके पास ज़्यादा हो तो ज़्यादा करी लीव्स भी यूज़ कर सकते हैं। हो गई करी लीव्स भी फ्राई, सारी चीज़ें हो गई है रेडी। अब हम बना लेते हैं चूड़ा। तो यहाँ पर मैंने बड़ा बाउल लिया है और उसमें ये क्रिस्पी और लाइट पोहा ऐड कर देते हैं, और जो हमने सारी चीज़ें फ्राई करके रखी थी उसे भी इसमें ऐड कर देते हैं। और अब हम इसमें कुछ मसाले ऐड कर देते हैं। तो यहाँ पे मैंने स्वाद के अनुसार नमक लिया है, पाउडर शुगर 1 टेबलस्पून है। अगर आपको मीठा ज़्यादा पसंद है तो पाउडर शुगर की मात्रा आप बढ़ा सकते हैं। काला नमक और आमचूर पाउडर, इसे मिक्स कर देते हैं। और बाकी के मसाले हम तड़का में डालने वाले हैं। तो यहाँ पे मैंने तड़का पैन ले लिया है और उसमें 2 टेबलस्पून ऑयल ऐड कर दिया है। ऑयल जैसे ही गर्म हो जाए उसमें हम दरदरी कुटी हुई सौंफ, दरदरा कुटा हुआ धनिया, गैस की फ्लेम हमें धीमी कर देनी है और इसमें ये लहसुन ऐड करना है, और लहसुन का कलर चेंज होने तक हमें भून लेना है ताकि ये क्रिस्पी हो जाए। और ये देखिए, लहसुन अच्छे से क्रिस्पी हो गया है, इसका कलर भी चेंज हो गया है। अब गैस को कर देना है बंद और इसमें ये हल्दी पाउडर ऐड कर देना है। ध्यान रखें, हल्दी पाउडर जल सकता है तो गैस को बंद करके ही हल्दी पाउडर इसमें ऐड करना है। और उसके बाद इसमें ये लाल मिर्च पाउडर ऐड करनी है, मिला लेना है। और ये हो गया हमारा तड़का रेडी। अब हम इसे इस चूड़ा में ऐड कर देते हैं और अच्छे से मिला लेते हैं। अभी ये गर्म है लहसुन, इसकी वजह से इसका टेक्सचर थोड़ा सा चीवी आएगा। जैसे ही 4-5 घंटे हो जाए चूड़ा को
और ये ठंडा हो जाए तो ये लहसुन भी अच्छे से क्रिस्पी हो जाएगा और इसका फ्लेवर भी बहुत ही टेस्टी इस चिवड़ा में उतर जाएगा। तो ये सारी चीज़ें हो गई है मिक्स और हो गया हमारा टेस्टी लहसुनी पोहा चिवड़ा रेडी। बहुत ही टेस्टी लगता है, बहुत ही स्वादिष्ट लगता है, एकदम लाइट और क्रिस्पी बनता है ये और एकदम कम ऑयल ये सोख लेता है। तो आप भी इस चिवड़ा को ज़रूर ट्राई करके देखिए और मेरी गारंटी है आपको ये बहुत ज़्यादा पसंद आएगा। तो अगर मेरी ये पोहा चिवड़ा की रेसिपी आपको पसंद आई है तो इसे लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना आप बिल्कुल भी ना भूलें। मिलते हैं अगले रेसिपी में। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड प्लीज़ हिट द लाइक बटन।